बाबा रामदेव को बुला के लाई है। बदतमीज, ये बाबा रामदेव नहीं, उस पदोड़े के पापा है। और तुम्हारे मुंह में ये क्या है? क्लास में बैठ के सिगरेट पी रही हो? अरे मैडम, ये तो लॉलीपॉप है, सिगरेट ना पीते हम तो बीड़ी पीते, वो भी तब जब हमें टट्टी ना आती। बदतमीज, जुबान लड़ा रहे हो अपनी टीचर से, ये घर जाके पीना। और मैडम, आप पदोड़ा मेरे बेटे को बोल रहे हो ना? पदोड़ा नहीं है मैम, वो एक दो बार पात मारता छोटे छोटे मेरे पे गया। सर, मैं आपको नहीं कह रही थी, लेकिन आपका बेटा आया क्यों नहीं अब तक? कहाँ है वो? मैडम, नो पार्ट हो चुके हैं, आज तक अभी टाइम पे आया है, जो आज आएगा। सर, आपका बेटा रोज स्कूल में लेट आता है। लेकिन मैडम, घर से तो टाइम पे निकलता है, आज भी टाइम से निकला था, पता नहीं कहाँ रह गया। सर, एक काम करो, जब तक वो आता है आप प्लीज बैठ जाओ। अंकल जी, नाइस हेयर। अंकल जी, कहते जोन सीना हो रहा। आल चक, मैं आ गया। आल चक। शाबाश, आज भी लेट, आज क्या बहाना सोच के आए हो? मैडम, बहाना तो कोई भी नहीं है, मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, बुड्ढा पूरे दिन दारू पीता है, इतने लंबे लंबे बाल के रखे हैं, बालों में जूम भरी पड़ी है, पूरे दिन मेरे से जूम निकलवाता है अपने बालों की, बर्तन धुलवाता है घर के, मैडम खुद कुछ नहीं करता, कभी बोलेगा जा ये कर, कभी बोलेगा जा वो कर, कभी बोलेगा मेरे जूते साफ कर, मैडम जूते साफ करके बुड्ढा पता नहीं कहाँ ही आशी करता है, बुड्ढे ने जीना आराम कर रखा है, उस बुड्ढे के चक्कर में रोज स्कूल लेट आता हूँ मैडम। मैडम क्या बताऊँ, मैडम क्या ही बताऊँ, बुड्ढे के इतने लंबे लंबे बाल और उनमें इतनी बदबू, कई बार तो स्कूल आने से पहले चार चार घंटे बेहोश पड़ा रहता हूँ, अब आप ही बताओ भाई साहब स्कूल। सर, आप घर जाइए, इसे मैं अपने आप देखूंगी, आप इसे मारिए मत। घर आ, घर बताता हूँ तुझे। बुड्ढा पागल है, चल अपनी सीट पे। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? अभी तेरे पापा ने इतना मारा ना, उनके जाते ही तो फोन पे लग गया, जरा सी भी अकल नहीं है क्या तेरे में? मैम, एमपीएल चला रहा हूँ। एमपीएल? ये एमपीएल क्या है? मैम ये देखो, MPL मतलब मोबाइल प्रीमियर लीग, जैसे क्रिकेट में IPL होता है ना, ऐसी मोबाइल गेम्स में MPL होता है, यहाँ पे बहुत सारी लीग चलती रहती है, जब मर्जी आओ खेलो और पैसा कमाओ। अच्छा, तो इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं? यस मैम, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें पेटीएम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, टोकन कमाओ और खेलो। ये देखो, ये मैं रनिंग गेम खेल रहा हूँ, लो जीत गया। लेकिन ये पैसे अकाउंट में कैसे आएंगे? अरे मैडम, पेटीएम से, UPI से, एक सेकंड में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, तभी मैं कहूँ क्लास में सबसे पहले फीस तुम्हारी कैसे आ जाती है। शाबाश, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। तुम खड़े हो जाओ, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? मैडम, जो बच्चे कल स्कूल आए थे उनको कौन साहब ने विधायक बना दिया। बहुत ही बकवास क्लास है, परेशान करके रखा हुआ है बिल्कुल मुझे। कल मैंने तुम्हें कुत्ते के ऊपर निबंध लिखने को बोला था ना, कोई लिख के लाया है? तू खड़ा हो जा, लिख के लाया है तू? मैडम, मैं कब कुत्ते के पास गया था, और जैसे ही मैंने अपना पेन निकाला और उस कुत्ते के ऊपर रखा, वो कुत्ता वहां से भाग गया। बदतमीज, बैठ नीचे। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। तुम खड़े हो जाओ। तुम मुझे ये बताओ, पांच में से पांच गए तो कितने बचे? मैडम जी, पता नहीं। नलायक, तुझे इतना भी नहीं पता? मान ले तेरे पास पांच भटूरे हैं, पांचों मैंने ले लिए, तो तेरे पास क्या बचा? मैडम जी, मेरे पास छोले बच गए। छोले बचे? भाई फिर तो पार्टी बनती है। मत
क्लास ही नलायक है। और ये फोन किसका बजा है? मैडम मेरा बजा, वो MPL की पेमेंट आ गई ना, उसका मैसेज आया है। भाई फिर तो पार्टी बनती है। ये ए राजा 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 करे जमे समाजा, उठा लो तनी कोरा भेटाई खूबे मजा। ए राजा 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 करे जमे समाज, बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कोस कोस कोस। ए राजा चलो मसीन पे। तुम बड़े हंस रहे हो, खड़े हो जाओ। तुम मुझे गरीब परिवार की परिभाषा बताओ। मैडम एक ना गरीब परिवार था, उसमें माँ भी गरीब, बाप भी गरीब, और उनके बच्चे वो भी गरीब, और उनके घर में चार नौकर थे और वो चारों के चारों गरीब, और उनके घर में दो मस्टंडी कारें थी और उन्हीं मस्टंडी कारों में उनके ड्राइवर उन्हें स्कूल छोड़ने जाते थे। बच्चों के पास मोबाइल फोन तो थे पर वो भी पुराने आईफोन थे, और मैडम वो परिवार हफ्ते में 4 दिन ताज होटल में खाना खाने जाया करता था उन्हीं टूटी फूटी कारों में। मैडम वो परिवार बहुत ही गरीब परिवार था। बैठ जाओ नीचे, ऐसी उल्टी सीधी परिभाषा देना तुम मुझे, जान बूझ के गलत जवाब देते तुम लोग मुझे। कल देखना, कल तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी स्कूल में। Oh shit, oh shit, oh. वाह मैडम, सेल्फी ले रहे हो आप? या बच्चों को पढ़ाने आते हो ना, सेल्फी लेने के लिए आते हो? इतनी अच्छी क्लास मिली आपको, देखो बच्चे कैसे खुद पढ़ रहे हैं और आप यहाँ सेल्फी लेने में बिजी हो रहे हो। नहीं सर, मैं कोई सेल्फी नहीं ले रही थी। तो क्या मेरी आंखें झूठ बोल रही थी क्या? बच्चों से पूछ लेते हैं। हाँ तो बच्चों बताओ मैडम क्या कर रही थी? सेल्फी ले रही थी। मैडम अगर आप ये सब करोगे क्लास में तो बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा बच्चों के बारे में, इनका क्लास टीचर चेंज करना पड़ेगा। मैडम आप जाओ यहाँ से, अब इनको नया टीचर पढ़ाएगा। नहीं सर, सॉरी सर, नहीं सर, सॉरी प्लीज। नो, आप जाओ। हाँ तो बच्चों अब खुश हो गए ना आप लोग, आपको अब नया टीचर पढ़ाने आएगा। अब मैं चलता हूँ, पढ़ो आराम से। भाई तुम्हें नहीं लगता हमने मैडम के साथ बहुत गलत किया है? इन्हीं मैडम ने पार्ट टाइम तक हमारा साथ दिया है और आज हमने झूठ बोल के मैडम को ही बाहर निकलवा दिया। भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो सर को सब कुछ सच बता देते हैं। तो तुम्हारी मैडम को तो मैंने वापस बुला लिया है, वो कल से तुम्हें पढ़ाएगी। पर एक बात तो है, तुमने सच बता के मेरा दिल जीत लिया। थैंक यू सर। इसका इनाम तो तुम्हें मिलेगा ना? जी सर, जी सर। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और YouTube पे जाके हमारे चैनल बकलोल वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, रेड वाला बटन होगा दबा देना। और गाइस MPL मोबाइल प्रीमियर लीग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, इसमें बहुत ही ऑसम गेम्स है जिन्हें खेल के आप पैसा कमा सकते हो और वो पैसा सीधे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो जाओ अभी जाके डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस लव यू ऑल।